Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So today we will do our last part of your chapter number 7 from the window. तो देखते हैं वो माना क्या लिख रही है अपनी डायरी में. हम 17th डेट पे चल रहे थे, ठीक है. तो 17 का देखो मॉर्निंग का टाइम है 11:30 का. So the last few hours have been so exciting. After breakfast, I climbed on the upper berth to read my comics. तो उमाना बोल रही है कि हमारे कुछ घंटे रह गए अभी पहुंचने में अपने ग्रैंड मदर के हाउस. तो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने अपर बर्थ पे, देखो हमने पढ़ा था कि जो ट्रेन होता है, ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसमें 3 बर्थ होते हैं ना, तो वो अपर बर्थ पे सबसे ऊपर वाले पे चढ़ जाते हैं ताकि वो अपनी कॉमिक्स पढ़ सके. इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, बाहर बहुत अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है. सडनली एकदम से क्या होता है, एवरीथिंग बिकेम डार्क, मतलब अंधेरा होना शुरू हो जाता है. इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटल कोल्ड इनसाइड, और उसको ट्रेन में थोड़ी ठंड भी लग रही है. आई वॉज अफ्रेड, तो माना बोल रही है मुझे डर लग रहा था कि ये क्या हो गया, अभी तो सुबह हुई थी, अभी इतना अंधेरा कैसे हो गया. देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन, तो लाइट्स की ट्रेन ऑन कर दी जाती हैं, बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, पर बाहर अभी भी अंधेरा. तो किसी ने उनको बताया दैट वी हैव एंटर्ड अ टनल, मतलब हम एक टनल में आ गए हैं. और देखो टनल में सनलाइट नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, जस्ट लाइटिंग होती है. जैसे देखो आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ये जो ट्रेन है ये टनल के अंदर जा रही है, ये एक माउंटेन में बनाई गई है ताकि हम इस माउंटेन को क्रॉस कर सकें. और ये टनल जब अंदर जाती है, बाहर निकलती है, तो हम माउंटेन के वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं. ओके, सो दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन, द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन. तो ऐसे लग रहा था कि आई ही जा रही है टनल बारी बारी, ठीक है. एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन, और एकदम से जब टनल खत्म हुई, डे लाइट मतलब फिर से रोशनी आ गई, बाहर बहुत सनी ब्राइट एंड ग्रीन था. द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द टनल, अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. तो उसके अप्पा ने बताया, उसके पापा ने उसको बताया कि अब हम माउंटेन की दूसरी साइड पे पहुंच गए हैं, मतलब टनल क्रॉस करने से उन्होंने पूरा माउंटेन क्रॉस किया. सिंस देन वी हैव पास्ड थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स, उस लंबी टनल के बाद गए थे, बड़ी टनल के बाद हम ऐसे छोटी छोटी 4-5 टनल से गए, और अब वो टनल्स में जाना इंजॉय कर रही थी. तो इसमें देखो आपको क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, हाउ डिड यू फील, तो क्या आप कभी एक टनल से गए हो, और अगर गए हो तो आपको कैसा लगा होगा. देखो अगर गए हो तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिख सकते हो कि आपको एडवेंचरस लगा, स्केरी लगा, या बहुत अच्छा लगा, है ना. सो यस आई हैव एंजॉयड अ टनल बट इट वॉज अ लिटल स्केरी. तो आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसा भी आपको एक्सपीरियंस हुआ था. नेक्स्ट वन इज द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज टोटल 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स. तो देखो जब गोवा से केरला का जो ट्रैवल है, रास्ता है, उसमें 2000 ब्रिजेस आते हैं एंड 92 टनल आते हैं. व्हाई डू यू थिंक देयर आर सो मेनी ब्रिजेस एंड टनल, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे इतने सारे ब्रिजेस एंड टनल क्यों है. तो देखो ब्रिजेस बनाए जाते हैं ताकि हम रिवर्स को क्रॉस कर सकें, एंड टनल्स बनाए जाते हैं ताकि हम माउंटेन वाले एरिए को क्रॉस कर सकें. और अगर ये नहीं होंगे तो हम ब्रिजेस एंड माउंटेन एंड रिवर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे. तो गोवा एंड केरला के रास्ते में बहुत सारे रिवर्स एंड माउंटेन्स आते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिजेस एंड टनल्स बनाए गए हैं. तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे, देयर आर मैनी रिवर्स एंड माउंटेन्स ऑन द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला, सो देयर आर मैनी ब्रिजेस टू क्रॉस द रिवर एंड मैनी टनल्स टू क्रॉस थ्रू द माउंटेन ऑन द वे. तो रास्ते में जितने भी माउंटेन एंड रिवर आते हैं उनको क्रॉस करने के लिए ब्रिजेस एंड टनल्स बनाए जाते हैं. नेक्स्ट वन इज इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सॉ अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट. तो आपको इमेजिन करना है, देखो ये कल की क्लास में हमने देखा था कि ट्रेन जब रिवर को क्रॉस कर रही थी, ब्रिज से जा रही थी, तो माना ने हमें बताया था कि मैंने रिवर में कुछ फिशरमैन देखे, मैंने कुछ वहाँ पे बोट्स देखे. तो आपको वो इमेजिन करके उसकी ड्राइंग बनानी है. तो देखो माना सॉ सम बोट्स एंड फिशरमैन इन द रिवर अंडर द ब्रिज. तो आप ऐसी कोई भी एक ड्राइंग बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से. जैसे देखो ये फिशरमैन फिशेज कैच करने आए हैं, साथ में बोट जा रही है, और ये एक ब्रिज है जहाँ से ट्रेन क्रॉस करेगी. ओके, नेक्स्ट वन इज इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड नो टनल एंड ब्रिज. इमेजिन करो कि अगर रास्ते में, गोवा टू केरला के रास्ते में कोई टनल एंड ब्रिज नहीं होगा, देन
हाउ वुड ओमाना ट्रेन हैव क्रॉस्ड द माउंटेन एंड रिवर्स, तो ओमाना की जो ट्रेन है वो माउंटेन एंड रिवर कैसे क्रॉस करेगी। तो देखो हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि टनल्स एंड ब्रिजेस हमें ये माउंटेन रिवर क्रॉस करने में हेल्प करते हैं, ईजी करते हैं हमारे वे को। अगर ये नहीं होंगे तो जो ट्रेन है ओमाना का, जो व्हीकल है जिस पर वो ट्रैवल कर रही है, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो इफ़ देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिजेस देन ओमाना ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर, तो उसकी ट्रेन उन माउंटेन एंड रिवर को क्रॉस नहीं कर सकती। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं ओमाना की डायरी में। अभी 3 o'clock दिखाए हैं 17th May के। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बॉट फ्रॉम उडुपी स्टेशन। तो वो कहते हैं लंच में हमने इडली वड़ा खाया जो हमने उडुपी स्टेशन से परचेज किया था। सो बॉट सम बनानास, दीज वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। हमने कुछ बनाना भी खरीदे थे, वो बनाना थोड़े स्मॉल साइज के थे एंड बहुत टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज चेंज्ड अगेन, अब सीन फिर चेंज हो गया। अब सीन में देखो क्या है, उसको थोड़े कोकोनट ट्रीज दिख रहे हैं एंड कुछ ग्रीन फील्ड दिख रहे हैं। तो अम्मा ने उसको बताया कि ये टैडी फील्ड्स हैं। द हाउसेज एंड विलेज लुक डिफरेंट, पीपल्स क्लोथ आर ऑल्सो डिफरेंट व्हाट यू सी इन द अहमदाबाद। तो देखो अहमदाबाद में वो कहते हैं जब हम हमारा ड्रेसिंग देखते हैं वो यहाँ के ड्रेसिंग से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमें पता है इंडिया में बहुत डाइवर्स कल्चर एंड हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, अपने खुद के ही एक ड्रेसिंग्स हैं। नेक्स्ट वन इज मोस्ट पीपल आर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर धोती एंड साड़ी। तो मतलब कहते बहुत सारे लोगों ने क्रीम एंड वाइट कलर की धोती और साड़ी पहनी हुई थी। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, तो जितने भी लोग कहते हमारे साथ आए थे, बहुत सारे लोग जो अहमदाबाद से हमारे साथ ट्रेन में चढ़े थे वो उतर चुके थे अपने अपने स्टेशन पे, एंड काफ़ी सारे स्टेशन से जो लोग हैं वो ट्रेन में चढ़े थे। सो जो सुनील की फैमिली थी, देखो सुनील एंड नन उसने अपने फ्रेंड्स बनाए थे, जो सुनील की फैमिली थी वो भी उतरने वाली थी आज खाजी खोड़े विच कम्स अराउंड 6 o'clock, जो 6 बजे आने वाली थी। ओके, तो उनका स्टेशन मतलब आने वाला है और वो दोनों उतर जाएंगे। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, तो वो कहती है मैंने अपने फ्रेंड्स जो ट्रेन में न्यू बनाए थे, मैंने उनके साथ एड्रेस चेंज किया और हमने प्लान किया कि जब हम वापस अहमदाबाद जाएंगे तब हम एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन, तो वो राधा को बोल रही है कि जब तुम भी सुनील एंड अन को मिलोगी तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट वन इज विच लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम, आप अपने घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, आपको वो मेंशन करना है। देखो आई एम फ्रॉम पंजाब, हम पंजाबी बोलते हैं घर पे, तो आई नोट इट एज पंजाबी। आप जो भी लैंग्वेज घर पे बोलते हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला ओमाना ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री। हमने देखा कि गुजरात से केरला तक जो ओमाना का ट्रैवल था, जो उसने इतना लंबा ट्रैवल किया ट्रेन में, उसमें बहुत सारी स्टेट्स आई थी। आपको उन स्टेट्स का नेम मेंशन करना है। देखो वो स्टेट्स थी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। ओके, नेक्स्ट वन इज डिड यू एवर हैव कोकोनट वाटर, क्या आपने कभी कोकोनट वाटर पिया है, तो ये तो देखो सबने पिया होगा। हाउ डिड यू फाइंड इट डिस्कस, आपको वो कैसा लगा, उसका टेस्ट कैसा था, आपको डिस्कस करना है। सो यू कैन राइट इट एज यस आई हैव हैड कोकोनट वाटर, इट्स टेस्ट वॉज स्वीट नटी एंड फ्रेश। नेक्स्ट इज आपको एक पिक्चर बनानी है कोकोनट ट्री की, उसमें बड़े अच्छे से कलर करके इनोवेटिव तरीके से उसको बनाना है एंड आपको उसके बारे में क्लास में डिस्कस करना है। लेट्स कम टू लास्ट पेज ऑफ अवर टूडेज क्लास, दैट इज फाइंड आउट इन विच स्टेट दिस लैंग्वेजेस आर स्पोकन। आपको ढूंढना है कि ये लैंग्वेजेस किस किस स्टेट में बोली जाती हैं। जैसे देखो मैंने बताया कि आई एम फ्रॉम पंजाब, तो हम पंजाबी बोलते हैं, तो ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, आपको उनकी स्टेट लिखनी है। तो फर्स्ट वन इज मलयालम केरला, कोंकणी गोवा, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात एंड कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है जो अलग अलग स्टेट्स में हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी कौन सी स्टेट है एंड आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज ओमाना ने फिर अपनी डायरी शुरू कर दिया, देखो नोट डाउन करनी। अब देखो शाम दिखाई गई है, 9:30 हो चुके हैं। नाउ इट इज़ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, तो ओमाना बोल रही है कि अब अंधेरा होने वाला है, नाइट हो चुकी है और हम भी हमारा जो सामान है वो पैकअप करने लगे हैं। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours, क्योंकि 3 घंटे हमारा स्टेशन है वो आ जाएगा और हम उतर जाएंगे। टू नाइट वी विल गो टू वलियम्मा'ज हाउस, तो वलियम्मा क्या होता है, वलियम्मा वर्ड है जो हम मौसी को बोलते हैं, मतलब मदर की सिस्टर, एल्डर सिस्टर को वलियम्मा बोला जाता है।
तो कहते आज हम हमारी मौसी के घर पे जाएंगे, टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मास विलेज, मतलब कल हम वहाँ से मौसी के घर से बस लेंगे और वो हमें हमारे नानी हाउस ले जाएगी, ग्रैंड मदर हाउस। तो देखो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मदर के मदर, जिसको आप नानी माँ बोलते हो। ओके, वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम बहुत थक गए क्योंकि देखो 16 एंड 17 टू डेज का उनका बहुत लंबा ट्रैवल हो गया, व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ, आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अम्मास हाउस। वो बोल रही है कि जब हम हमारे ग्रैंड मदर के हाउस पहुँच जाएंगे मैं डायरी फिर लिखना शुरू करूँगी, अभी फिलहाल मैं डायरी रख रही हूँ। सो आपको बताना है कि आपकी लैंग्वेज में इन रिलेशंस को, ब्लड रिलेशंस को क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट वन इज़ योर मदर्स सिस्टर, आपके मम्मा की सिस्टर, मौसी। ठीक है, तो जैसे ओमाना तो वली अम्मा बोलती है तो हमारी लैंग्वेज में मौसी बोला जाता है, तो आपकी लैंग्वेज में जो भी बोला जाता है आप यहाँ पे लिखोगे। नेक्स्ट इज मदर्स मदर, आपके मम्मा की मम्मा, दैट वन इज नानी। फादर्स सिस्टर, आपके पापा की सिस्टर को क्या बोलते हो, दैट इज बुआ। फादर्स मदर मतलब आपके फादर के मम्मा, दैट इज दादी माँ। ओके, सो आप जिस लैंग्वेज में जो भी बोलते हो इन रिलेशंस को आप वो लिखोगे। सो दिस वाज योर चैप्टर एंड वी विल डू नेक्स्ट चैप्टर 60-61, जिसमें हम ओमाना की थोड़ी और डायरी के बारे में रीड करेंगे। वो चैप्टर इसी से रिलेटेड है, ओमाना जब अपने ग्रैंड मदर के घर पे पहुंच जाएगी तब हम देखेंगे कि उसने अपने डायरी में क्या लिखा। ओके, सो आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो इस चैप्टर में। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।